तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बबलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजे बबलू राज को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना FL Studio मोबाइल में सॉन्ग को कैसे काटते हैं। ठीक है, बहुत भाई का रिक्वेस्ट आया था कि भाई इस पे वीडियो बनाओ जो कि अच्छा तरीका हो। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा और बहुत आसानी तरीके से, और इसमें मैं दो तीन तरह से यानी दो तीन ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखे रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ कुछ लोग हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको सॉन्ग काटने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे सॉन्ग है, ठीक है, और मैं इसको काटना चाहता हूँ, तो ये 33 नंबर से 35 नंबर तक मैं काटता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड क्लिक करो। ठीक है, होल्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे 35 नंबर तक इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से इस पे क्लिक कर लेना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये सॉन्ग क्या होता है कि यहाँ से पूरा इसका जो भी चैनल है उसमें कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो मुझे ये बेटर नहीं लगा क्योंकि जो भी सैंपल वगैरह था यहाँ पे वो पूरा कट गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है फिर से पैटर्न लगाना पड़ेगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया जाए यहाँ से मैं सॉन्ग को इतना, यह इतना है, ठीक है, इतना है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ थोड़ा ही कटे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ही, तो ये जैसे कि इतना मुझे काटना था और यहाँ से मैं पैटर्न को सेट करना था, जैसे कि मुझे इतना ऐसे करके सेट करना था ऐसे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये जो था ये इतना एक्स्ट्रा था यानी ये सेट नहीं हो रहा था पैटर्न के साथ, तो मुझे इतना ही काटना था। तो अगर इतना काटना था तो ये अगर मैच होता एक साथ में, जैसे कि मान लिया जाए ये बीच में कटता ऐसे, तो ऐसे कटता तो मुझे बहुत आसानी था ये काटने में। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये बीच में कटता है, बीच में कटता है, इसका कारण क्या है कि यहाँ जो मैंने इतना किया है तो इतना ही में कटेगा। ठीक है, और इसका नीचे जो भी सैंपल है वो रिमूव हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, तो मैं इसको वापस जैसा था वैसा लाता हूँ। ओके, तो ये जैसा था वैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इसके नीचे विंडो आएगा, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो जैसा सॉन्ग था वैसा आ जाएगा। तो आपको दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपको कैसे काटना है। जैसे कि मैं 33 नंबर से काटना है, ठीक है, तो 33 नंबर से काटना है तो यहाँ पर आपको चैनल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसको होल्ड क्लिक करके रखना है। ठीक है, होल्ड क्लिक करके रखेंगे उसके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोन चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लोन चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो इसको जो नीचे वाला चैनल है उस पर आपको टच करके और इतना कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद यहाँ से हम इसको काट लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ तक मैंने काट दिया तो ये चैनल हो गया दो। ठीक है, दो हमको नहीं करना है, इसको एक करना है, यहाँ पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ले लेना है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेने के बाद इसको जो है इस चैनल पे क्लिक करके रखें, होल्ड क्लिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट चैनल आ रहा है तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मेरा बीट मैच नहीं हो रहा है या फिर पैटर्न के साथ मेरा सॉन्ग मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लिया जाए कोई सॉन्ग ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पैटर्न इससे स्टार्ट होता है और इतना जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि मैं बता देता हूँ इतना एक्स्ट्रा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा, इससे सी का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद इसको जूम कर लेना होगा, जूम करने के बाद इस पर टच करके रखना होगा और ऐसे यहाँ तक लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ तक लेके आने के बाद इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको ऑफ करने के बाद और इसको टच करके यहाँ तक काट लेना है। ठीक है, अगर हम और कहीं काटना चाहते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ 37 नंबर से काटता हूँ। ठीक है, तो 37 नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है
इस पे हम होल्ड क्लिक करते हैं। होल्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोन चैनल कर लेते हैं, ठीक है। क्लोन चैनल करने के बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इतना ही रखना है ये, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको इसको हमको यहाँ तक ले लेना है, ओके। और उसके बाद यहाँ से हमको इसको कम कर लेना है, यानी काट लेना है, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो ये जो था इतना में कट गया है। और उसके बाद इसको हम जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से हम ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैनल को हम डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीका है सॉन्ग काटने का। और आप जैसे चाहें वैसे इसको काट सकते हैं, जितना चाहें उतना काट सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।